सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की सुनवाई करते हुए सारे मामले सीबीआई नूं सौंप दिते ने। हुण साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित व्यापम नाल जुड़े सारे मामले की जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने भी मामले की सीबीआई जांच से सहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच से सरकार नूं कोई एतराज नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई नूं होगी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सरकार ने इन केसेस की जांच सीबीआई को करने के लिए हाई कोर्ट में पहले ही निवेदन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग उसके बाद करे या नहीं। एमपी गवर्नर को गवर्नर के अगेंस्ट जिस एफआईआर को कोर्ट ने क्वेश्चन किया था, उस एफआईआर को क्वेश्चन करने के अगेंस्ट गवर्नर को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट वालों व्यापम मामले की जांच सीबीआई तो करवाए जाने लैके सियासी आगुआ ने भी अपना प्रतिक्रम दिता है। की कहना है उन्हों का, आओ सुनते हैं। देखिए, ये हर्ष का विषय है कि व्यापम के मामले में जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स किया है कि सीबीआई की जांच होगी। एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह रही थी, आप देखिए पहले दिन ही अरुण जेटली जी ने कहा था कि इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, और उसके बाद आदरणीय गृहमंत्री राजनाथ जी ने भी कहा था कि हम कोर्ट को निर्देश तो नहीं दे सकते हैं मगर आवेदन जरूर करेंगे। और फिर शिवराज जी ने बिल्कुल कहा कि हम एक रिक्वेस्ट लेटर तमाम कोर्ट्स को भेजेंगे कि इसमें सीबीआई की जांच हो। आज हमारी बात को मान लिया गया है, ये बड़ा बहुत अच्छी बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज व्यापम से जुड़े दोनों मसले, व्यापम का घोटाला और व्यापम से जुड़े हुए लोगों की मृत्यु, दोनों के लिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। ये फैसले से देश में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो एफआईआर क्वाश करने का क्या औचित्य था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है गवर्नर को और मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को वगैरह वगैरह। दूसरा मुद्दा था ये व्यापम स्कैम का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे। तो आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये बोला कि भाई उनको कोई आपत्ति नहीं है और वो भी यही चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया और ये बोला है कि अगली बार मॉनिटरिंग का मुद्दा अगले हियरिंग पर तय हो जाएगा। वैसे मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस सीबीआई की जांच की मॉनिटरिंग करेगा। व्यापम घोटाले संबंधी कवरेज दौरान शक्की हालातों में मरने वाले पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार वाले नाल दुख साझा करने लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली स्थित उन्होंने घर पहुंचे। उन्होंने अक्षय के परिवार वाले के नाल मुलाकात करके दुख साझा किया। पत्रकारों नाल गलबात करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन्होंने नाल खड़े ने ते परिवार को जो भी सहायता चाहिए है उन्होंने उन्हां वालों की जाएगी। इस नाल ही उन्होंने अक्षय की भैन नूं सरकारी नौकरी देने की भी पेशकश की। दस दिए कि 2012 तो हुण तक इस घोटाले नाल जुड़े 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्हां विच पत्रकार अक्षय सिंह भी शामिल ने। परिवार ने अपना सब कुछ खोया है, मैंने माँ का वो कष्ट देखा है जिससे बड़ा दुख और दुनिया का कोई हो नहीं सकता। मैंने परिवार को आश्वस्त किया है कि जो भी निष्पक्ष और बेहतर जांच हो सकती है सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। परिवार ने सब कुछ खोया है लेकिन मेरे लिए भी ये जिंदगी का मिशन है कि बिल्कुल सच सामने आए, इसलिए बिसरे को हमने एम्स में भेजा है
सीबीआई जांच करे, यह हमारा आग्रह रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी, सीधे भी। और ये मेरी जिंदगी का मिशन है कि ये सच सामने आना चाहिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि एक माँ ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई खोया है, उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे उत्ते एक प्राइवेट बस ने स्कूटर सवार नु कुचल दिता। हादसे विच स्कूटर सवार दी मौके ते ही मौत हो गई। जानकारी दे अनुसार मरण वाला व्यक्ति रोपड़ जिले दे बहरामपुर दा रहण वाला सी अते रात दी ड्यूटी खत्म करके वापस कार पार्त रहा सी कि अचानक डब वाली ट्रांसपोर्ट दी बस नंबर PB03V1900 ने स्कूटर सवार नु अपनी लपेट विच लै लिया अते 50 मीटर तक उस नु घसीट के लै गया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक स्वरण सिंह घर में कला ही कमाने वाला सी अते उसके दो बच्चे ने। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री और अमृतसर तो लोकसभा मैंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर पहुंचे, जिथे उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थानक आगू भी मौजूद सन। दस दिए कि पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सूबे में जनसंपर्क मुहिम विधी गई है, जिसके तहत उन्होंने वालों वख-वख थावां उत्ते रैलियां का आयोजन किया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों हुण तक जलंधर, गुरदासपुर, राजपुरा, नाभा और अटारी में रैलियां की जा चुकिया ने। तरन तारण अधीन पिंड मानूचाहल विच थाना चबाल दी पुलिस दा कहर देखण नूं मिलिया। दस्सिया जा रहा है कि केवल सिंह दे घर जबरदस्ती दाखल होकर उसके परिवार नाल कुटमार की गई, जिस तो दुखी होकर केवल सिंह ने पुलिस के सामने ही जहर पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। केवल सिंह वालों जहर पीण ते थाना चबाल SHO अते गनमैन मौके तो फरार हो गए। पिंड पुचर के रहने वाले बलदेव सिंह, जिसने केवल सिंह को पैसे लेने सन, पुलिस और सबका अकाली सरपंच लैके केवल सिंह के घर दाखिल हो गए, जिस तो दुखी होकर केवल सिंह ने खुदकुशी कर ली। थाना सदर पुलिस ने बलकार सिंह अकाली सबका सरपंच उपर मामला दर्ज कर लिया और जांच तो बाद दोषियों उपर बनती कार्रवाई करने की गल कही है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਏ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੜਕੇ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਟਵੈਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਨਾਲ ਅਤੇ SHO ਆਪ ਨਾਲ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਚਾਹ ਸੁੱਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਈਆਂ ਛਡਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾੜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। करनाल की रंधीर कलोनी में एक ब्योहता ने भेदभरी हालत में फाहा लगा के खुदकुशी कर ली। मृतक के परिवार का दोष है कि उसने अपने सहुरा परिवार तो दुखी होकर खुदकुशी की है। दसिया जा रहा है कि मृतका का पति अक्सर उसके नाल कुटमार करता सी, घटना तो बाद मृतका का पति फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंधी मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। माए भी हाँ देवर ने भी मार रखे हैं, पड़ोसी जानते हैं, मारपीट करते थे पहले, मारपीट करते खूब लिल्ली बना दिया करता, मारे परसों जबरदस्ती बुला लिए कि मैं तो बॉम्बे होटल करूंगा, 20 साल का ठेका ले लिया मैंने और तू यहाँ रहना। अब फरार है? अब फरार मैं
बख्शू को अपनी कार्रवाई करेंगे। भाई आज हमें सूचना मिली है, भाई सने लता मलिक है नरेंद्र की घरवाली रणधीर लेन में जी, उसने पंखे से फांसी खा ली है। ठीक है, जो हम उसी तला पे यहाँ आए, एफएसएल टीम बुलाई मौके पर, उसके वारसान की इंतजार करी। अब उसके वारसान है, उसके भाई वीरेंद्र ने हमें बयान दिया है भाई मेरी बहन को उसके घरवाले ने उसके सास ससुर ने मारा है, पोस्टमार्टम करा जाए। भाई पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी बात तस्दीक तफ्तीश कार्रवाई आएगी हम अमल में लाएंगे। जम्मू विच 12 साल बाद हुई जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण के नतीजे आ गए ने। इन्हां चोणां विच त्रिलोचन सिंह वजीर के ग्रुप ने बाजी मारी है। त्रिलोचन सिंह वजीर के ग्रुप ने 6 सीटां तो जित हासिल की है। उधर विरोधी ग्रुप सुखदर्शन सिंह वजीर धड़े ने 5 सीटां जितियां ने। जम्मू जिले दीआं 11 सीटां दे लई 48 उम्मीदवार चोण मैदान विच सन। प्रशासन ने इस चोण दे लई 127 पोलिंग बूथ स्थापित किए सन। चोणां विच मुख मुकाबला सिर्फ 2 ग्रुपां दरमियान ही सी। मैं नाना नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हूं। जो ये जीत है हमारी, ये जीत जम्मू जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी संगत है ये उसकी जीत है। और हमारा मैनिफेस्टो जो हमने जो इलेक्शन से पहले हमने जारी किया था, उस इलेक्शन पे हम जितने भी वादे हमने जो संगत से किए हुए हैं उन वादों पे हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी सिख संगत जो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस कदर से रहा और मुझे अपना कीमती वोट देकर विजय किया। चंडीगढ़ स्थित पुलिस लाइन के रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर के चंडीगढ़ पुलिस वालों 16वें बैच के 34 जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य मेहमान के तौर पर प्रशासक के सलाहकार विजय कुमार देव ने शिरकत की, जिन्होंने परेड का जायजा लिया। रिक्रूटमेंट सेंटर के चीफ ड्रिल इंस्पैक्टर धर्मपाल ने जवानों को अपने फर्ज निभाउंदियां देश की सेवा करन दी सहु चुकाई। 16वें बैच में शामिल हुए कुल 34 जवानों में 30 लड़के और 4 लड़कियां ने जो चंडीगढ़ दिल्ली हरियाणा राजस्थान और यूपी तो ने। देखिए आज ये जो पासिंग आउट परेड की सेरेमनी आयोजित की गई है, 34 नए रिक्रूट हमारे चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में शामिल हुए हैं। मैं इन सभी रिक्रूट्स को और इनके परिवारों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं। चंडीगढ़ पुलिस हमारे पूरे देश की एक प्राइड ऑफ प्लेस रखती है सारी पुलिस फोर्सेस के अंदर, और इसके अंदर रिक्रूट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़े प्राइड की बात है। मैंने सभी रिक्रूट से अपील की है कि वो अपने कंडक्ट को उसी तरीके से रखें जैसे कि वो पुलिस फोर्स से एक्सपेक्ट करते रहे। बहुत ही उच्च प्रशिक्षण उन्हें यहाँ पे दिया गया है। गुरदासपुर पुलिस वालों शहर के नशे खिलाफ एक सैमीनार करवाया गया। इस मौके बॉर्डर रेंज के DIG ईश्वर चंद्र उचेचे तौर पर पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी रोकने के लिए पिछले एक साल तो आम लोग भी उन्हों का साथ दे रहे हैं। पुलिस ने नशे की तस्करी के काफ़ी हद तक काबू पा लिया। इस मौके उन्होंने नौजवानों नशे तो दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया। सैमीनार के दौरान नशे के नुकसान संबंधी आम लोगों को जागरूक करता एक नाटक भी खेडिया गया। पंजाब पुलिस सिंसीयर हो के ये काम चलाएगी तो मेरा ख्याल है कि जे ये कहते भी साल चाह कवर किया कवर किया ना ये 6 महीने में सारा काम कवर हो सकता। जो पुलिस सिंसीयर लोग उन्हों का पूरा साथ दे रहे पिंड मतलब ज़्यादा जी लोग गल दसते हैं कि इतने नशा बिक रहा लोग दस तैयार ने लेकिन कुछ टाइम उत्ते ना रिस्पोंस पूरा नहीं मिलता। एदा जी इस नशा लगा होता पूरे पंजाब बहुत है क्योंकि लोग इस नशे के कहर तो बहुत औखे ने। पब्लिक आप जागरूक होकर अपने बच्चे नशे करवा रहे हैं उन्होंने प्रति पब्लिक आप दस रही है। साढ़े SSP साहब गुरदासपुर का बड़ा व्डा रोल है साढ़े गुरदासपुर असं उनका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। ये सानू सारों इस तो बड़ी वही सीध लैके ये जो कोर है समाज में लग्या होया उन्हों दूर करना चाहिए तो पंजाब पुलिस का पूरा साथ दे के ते ए जो समाज के गंदी लानत पई है छेवा दरिया चल रहा यू बिल्कुल बंद होना चाहिए ताकि साड़ी पंजाब की जवानी जी बच सके।
ते सादा पंजाब जिहड़ा तरक्की वल जा सके ये बहुत ही जरूरी गल है। जिहड़ा प्रोग्राम है सो इहदा मेन मकसद है एक तो लोगों का धन्यवाद करना कि उन्होंने जिहड़ा इस नशे के उत्ते काबू पाउण विच जिहड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस ने प्राप्त की है उहदे विच लोगों ने साथ दिता। पिछले अरसे दे विच बहुत वड्डी मुहिम चली आ जिहदे विच सब तो पहला असी नशे की सप्लाई लाइन तोड़ी आ, फिर वड्डे समगलर गिरफ्तार किए आ, उस तो बाद जिहड़े साडे नौजवान थोड़ा भटक गए सी। नशा खिलाफ़ छेड़ी गई मुहिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स एसोसीएशन वालों अमृतसर के गुरु नानक गर्ल्स स्कूल दे विच एक सैमीनार का आयोजन किया गया। इस सैमीनार दे विच बच्चों नूं जिथे नशे दे नाल होने वाले बुरे प्रभावों बारे दस्या गया उत्थे ही भविख दे विच सावधान रहन अते अपने भैन भरावां नूं नशे की लत दूर रखने के लिए जानकारी दी गई। एनसीबी के पंजाब प्रमुख डॉक्टर कौशतुभ शर्मा ने कहा कि 26 जून तो एनसीबी वालों 15 दिन का एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिस दे विच वख-वख शहरां ते कस्बियां विच जा के विद्यार्थियों अते विद्यार्थनां नूं नशियां दे खिलाफ लामबंद किया जा रहा है तां जो उन्हां दे भविख नूं सुरक्षित बनाया जा सके। गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे घी मंडी में, इहदे विच असीं स्पेशली प्रिवेंटिव आस्पेक्ट्स दे उत्ते गर्ल्स स्टूडेंट्स नाल गल करांगे पर एम यह है कि हर तबके तक पहुँचा जा सके। गर्ल्स जो है अल्टीमेटली ये परिवार का एक अहम हिस्सा है क्योंकि जो कहीं ना कहीं अगर कोई ड्रग्स नाल पीड़ित है जेड़े विच उन्हां दा भरा भी हो सकता है फादर भी हो सकता है तो ये सारी की सारी गल्लां जेड़ी हैं जे इन्हां नूं भी पता होणगी तो ये सही होणगी अल्टीमेटली किसी ना किसी बंदे नूं ड्रग्स वल जाण तो रोकण लई ते नाल किसी नूं कढ़न लई भी। तो इस एम दे नाल असीं आए हुए नाले इस चीज़ की जानकारी सारयां नूं होनी जरूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे हर एरिया नूं हर खेतर नूं ते समाज दे हर वर्ग नूं जिहड़ा है धीरे धीरे इफेक्ट करदी पई है। देखिए अखिल भारतीय मनैड ऑर्गनाइजेशन पिछले कई सालों तो ड्रग्स के खिलाफ काम करती पी है तो असं पिछले डेढ़ साल तो नारकोटिक कंट्रोल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर काम करते हैं तो साड़ी एक मुहिम चलती पी पिछे पंजाब हरियाणा हिमाचल जे एंड के तो उसी कड़ी के असं पिछले भी प्रोग्राम किए पंजाब के तो आज उसी कड़ी के साडे नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जोनल डायरेक्टर जो कौशतुभ शर्मा जी आए एसीपी गर्ग साहब साढ़े नाल ने तो स्कूल के आप एक अवेयरनैस सैमीनार करते पे क्योंकि बच्चे साढ़े देश का भविख ने। भारी बारिश के चलते हड़ का कहर कश्मीर में तो देखने को मिलिया ही सी पर हुण जम्मू भी हड़ की लपेट में आ गया। भारी मीह नाल कई इलाकों के लोगों के घर में पानी दाखिल होने के नाल काफ़ी नुकसान होया। पानी की निकासी सही ना होने कारण लोगों के घर में पानी दाखिल हो गया। इन्हां मुश्किलों का सामना करते हुए स्थानक लोगों ने प्रशासन तो पानी की निकासी के सही प्रबंध करने की गुहार लगाई है। साढ़े के 5 बजे नाल आया पानी बड़ा पानी सी इन्ना अंदर तो सामने है सारा तो बारिश नाल फ्रिज वगैरह नुकसान सब कुछ नुकसान हो गया। वाशिंग मशीन फ्रिज वगैरह सोफे वगैरह सारा दहेज का समान सारा फर्नीचर खराब हो गया। कहना चाहते इो भी पुल वगैरह तोड़ो पुल का करो कोई हिसाब का शिफ्ट शिफ्ट करो जो पुल का थोड़ी जी बारिश होंगी इन्हें पानी आ जाता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले के एरिया के सभी बोले कि छोटे छोटे बच्चे पानी में कुछ हो जाए कौन सी बीमार है इसका। पहले रोड ठीक था डाउन कर दिया पानी इधर आ रहा है पहले नहीं आया कभी पानी क्यों नहीं आया पानी पहले। मैं ये बोलना चाहता हूँ उनसे छोटे छोटे बच्चे हैं अब कच्चे खोल के दिखाएं कितना पानी में डूबे हुए कितने ऊपर हैं अंदर जाके देखें पूरा सामान खराब हो चुका है सभी का अल्ले मोहल्ले एक का नहीं सभी का हुआ है। पुली मूव होनी चाहिए पुली टूटी होनी चाहिए ये पुल नहीं चाहिए इधर जहाँ उसको चेंज करो। चंडीगढ़ में CII में एक प्रोग्राम दौरान अदाकार अनुपम खेर ने चंडीगढ़ तो संसद मैंबर किरण खेर की इंटरव्यू ली। अनुपम खेर ने किरण खेर तो कई सवाल पूछे और अपने ही सवालों के किरण खेर को घेर लिया। इस मौके अनुपम खेर ने कहा कि वह 30 साल पहली बार किरण खेर की इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए जितना पार्ट मैंने अटेंड किया है इट वाज वेरी नाइस एंड आई थिंक बहुत अच्छे ख्यालात जो हैं और चंडीगढ़ के बारे में एमपी साहिबा का जो विजन है वो पूरा आज क्लियर हुआ है। क्या ख्याल है? अच्छी बात है, बननी चाहिए हमारी स्मार्ट सिटी लेकिन इसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए क्या होगा उस पर अभी हम लोगों को चर्चा करनी तो उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी थोड़े दिन ही तो हुए हैं अभी हमको प्रशासन के साथ बैठना है दिल्ली में बैठना है उसके बाद आपको बताएंगे। एक्चुअली अच्छा था मुझे तो पता नहीं था वो क्या सवाल पूछने वाले हैं तो हंसी मजाक भी हो गया
पुरानी बात यादें भी ताज़ा हो गई और आप लोगों के साथ भी बांट लिए अपने दुख सुख, बस अच्छा लगा। उधर इस मौके अदाकार अनुपम खेर ने डे एंड नाइट न्यूज़ के नाल खास गलबात की थी कि क्या उन्होंने, आओ सुनते हैं। हमारे साथ अभिनेता अनुपम खेर जी हमारे साथ हैं आज। अनुपम जी आज चंडीगढ़ में, आज सर चंडीगढ़ आज आप आए हैं, वही कन्वर्सेशन किया है अपने वाइफ के साथ, कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लगा, आई थिंक पहली बात तो बहुत सालों बाद ऐसे डेढ़ घंटा तक मैंने किरण जी से बात की, लोगों के सामने, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने, बीजेपी के अलग 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 कार्यकर्ताओं के सामने, अध्यक्ष जी के सामने। ये एक नया तरीका था, एक दुनिया लोगों तक पहुंचने का, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक हस्बैंड ने प्रोफेशनली अपनी बीवी से सवालात किए। सारे सवालात ज़रूरी नहीं कि बहुत सहूलियत वाले थे, अनकंफर्टेबल सवालात भी थे, बट ये एक तरीका है, एक पहल है और एक पूरी कोशिश है कि चंडीगढ़ को और भी बेटर बनाया जाए। स्मार्ट सिटी की बात की गई है और कई पहलुओं पे चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की, क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा शहर है पूरे देश में जो है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी हैं। हालांकि किरण खेर जी आपकी वाइफ जो है वो यहाँ से MP हैं, और किस तरह के जो है आप लोग सुझाव देते हैं कि और भी जो है उसको प्रोग्रेस किया जाए, जिस तरह से आज आई थिंक शी नोज एंड उनके लोगों, उनकी पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं को पता है कि क्या करना है, और उनके सबसे बड़ी बात होती है इरादे अच्छे होने चाहिए, उनके इरादे अच्छे हैं। बाकी मैं बतौर नागरिक यही कह सकता हूँ कि भलाई वो काम करना चाहिए जिसमें लोगों की भलाई हो, और मुझे वो लगता है कि वो कर रहे हैं। एक्टिंग स्कूल भी चंडीगढ़ में खोलने की बात कर रहे थे, और भी हाँ यहाँ पर वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। बात करें यूथ्स की, चंडीगढ़ में यूथ्स का प्रोफेशनली जो है वो काफ़ी है, एक्टिंग को लेकर भी काफ़ी जो है यूथ इंटरेस्टेड हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं या किस तरह के सुझाव लगता है कि यहाँ पर चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बहुत टैलेंट है, इस तरह का इंस्टीट्यूशन खुलना चाहिए, वहाँ पढ़ाई देनी दी जानी चाहिए और काफ़ी उस टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी पंजाबी फिल्में भी बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, बहुत अच्छी किस्म की फिल्में बनती हैं, और मुझे खुशी है, अगर खुशी होगी कि अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट बनेगा। तो ये हमारे साथ अभिनेता अनुपम खैर थे जो बता रहे थे कि आज वाई कन्वर्सेशन जो है यहाँ पर किया गया है, और जिस तरह से यहाँ पर कोई सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी पत्नी है किरण खेर, उनके साथ जो है सुझाव किए हैं, साझा किए हैं, और एक पहल है जिसमें लोगों के, बीजेपी के जो सांसद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके साथ साझा किया गया है। आज अब देखना होगा कि आगे ये सुझाव जो है वो कितने काम आते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डी एन आई न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल ये ना ही, इजाजत दियो, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।